नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यहीं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ पूछा था कि ओबीसी का फॉर्मेट किस तरीके का होता है, और उसके पहले और बहुत सारे चीज़ों के बारे में पूछा गया था कि ओबीसी का डेट कब तक का होना चाहिए। मैं क्लियर एक बात कर दूँ, ओबीसी अगर आपके पास 2017 का जून के एक साल पुराना अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप लोगों को लेटेस्ट बनवाना पड़ रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस प्रोविजनल लिखा हुआ आता है और उसमें जो है डिपार्टमेंट एक बार फिर से आपका वेरीफाई करती है कि आप ओबीसी एनसीएल में बिलोंग करते हो या नहीं। अब चलते हैं हम लोग ओबीसी के फॉर्मेट को लेकर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी तरीके का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है, जहाँ पर कि आपका नाम, आपका विलेज, आपका डिस्ट्रिक्ट, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो फिर आपका रिजोल्यूशन नंबर लिखा हुआ रहता है, फिर आप किन के बच्चे हो वो लिखा हुआ होता है, और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, फिर डिप्यूटी कमिश्नर का, जिन किसी का भी बड़े अधिकारियों का सिग्नेचर होता है वही यहाँ पर किया हुआ होता है। बस इसी तरह का आपका होता है। तो आप देख सकते हो अब आपका जा कर के टोटल कन्फ्यूज़न जो होगा ओबीसी के फॉर्मेट को लेकर के, आशा करता हूँ कि आप लोगों का ख़त्म हो चुका होगा। बस उसमें मेन चीज़ यही चीज़ होता है कि यहाँ पे जो है रिजोल्यूशन नंबर लिखा हुआ होता है, और ये जो है आपका यहाँ पे मेन चीज़, और ये भी चीज़ लिखा हुआ था विच इज़ रिकोगनाइज एज ए बैकवर्ड क्लास अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रिजोल्यूशन नंबर। ठीक है, तो रिजोल्यूशन नंबर मेन होता है। उसके बाद आपका कोशिश करो कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक का सिग्नेचर करवा लीजिए, ताकि इससे किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद पड़ा होगा। तो प्लीज़ आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका कि अभी SSC CGL CHSL डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। चलता हूँ मैं, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।